नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, हाल ही में 11 तारीख को तीन राज्यों के चुनावों के नतीजे आए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, और तीनों में ही बीजेपी की हार हुई। उसके बाद मुझे बहुत लोगों ने मैसेज किया कि निखिल जी, 2019 में क्या होगा, 2019 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, मोदी जी बनेंगे या विपक्षी दल का कोई नेता बनेगा। तो मैंने मोदी जी के चार्ट का गहन अध्ययन किया और विपक्षी दल के कई नेताओं के चार्ट का भी मैंने गहन अध्ययन किया। जाहिर सी बात है, सबका चार्ट मैं डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन मोदी जी का चार्ट मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे। तो मैंने इस वीडियो को दो भाग में बांटा है। पहला, मैं मोदी जी के व्यक्तित्व के बारे में बताऊंगा आपको, किस तरह के व्यक्ति हैं वो, और दूसरे भाग में मैं आपको ये बताऊंगा कि 2019 में क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये है मोदी जी का चार्ट। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि इनका लगन चार्ट में चंद्र मंगल यहाँ बैठे हैं, दूसरे भाव में सूर्य बुध केतु 12वें भाव में है, गुरु जो है पंचम भाव में है, शनि वीनस जो है इनके 11वें भाव में, और राहु 6ठे भाव में है। लेकिन मैं अपने हर वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि आपको कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, ये आपको कस्प चार्ट से देखना है, इस वाले चार्ट से देखना है। इस वाले चार्ट में आप देखिए, चंद्र मंगल पहले स्थान में बैठे हैं, पांच ग्रह 11वें स्थान में बैठे हैं, चौथा स्थान में जो है जुपिटर बैठे हैं और पंचम स्थान में राहु बैठे हैं। अब मैं एक एक करके स्टार्ट करता हूँ एक्सप्लेनेशन। देखिए, जैसे आप देख सकते हैं, चंद्र मंगल पहले स्थान में बैठे हैं और इनका जो चंद्र है मोदी जी का, वो है नीच का। लेकिन ये चंद्र जो है नीच भंग राज्यों के लिए बैठा है। अब किसी ग्रह का नीच भंग कैसे होता है, किस कंडीशंस में होता है, मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, नीच भंग वाले वीडियो में। तो आपको दसियों फैक्टर्स लेने पड़ते हैं, दो तीन रूल से आप नहीं बोल सकते, मैंने उस वीडियो में बोला था आपको। मतलब सारे शटबल और नॉन शटबल फैक्टर्स को लेने के बाद मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मून का निजबंध हो चुका है इनके चार्ट में। शटबल में कौन कौन से बल आ जाते हैं, दिग्बल हो गया, दृग्बल हो गया, नैसर्गिक बल हो गया, काल बल हो गया, ऐसे तमाम बल। और उसके बाद तमाम कॉन्सेप्ट लगाने हैं, जैसे वर्गोत्तम कॉन्सेप्ट लगाना है, पुष्कर नमाज का, अवस्था, अरुद्ध, बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगा के मैं आपको ये बोल रहा हूँ। मैं आपको उन कॉन्सेप्ट में लेके नहीं जा रहा ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो जाओ। तो बेसिक बॉटम लाइन है कि इनका मून का नीच भंग हो रखा है, ये नीच भंग राज्योग दे रहा है। और मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया था कि जो नीच भंग राज्योग का जो फल होता है, वो जो है नॉर्मल 25-30 राज्योग एक तरफ और नीच भंग राज्योग एक तरफ, इतना शक्तिशाली फल होता है। उसकी वजह क्या होती है? देखिए, वजह साफ है, यहां मून का नीच भंग हो रखा है। मून है माइंड, मन, और जब मून का नीच, मतलब व्यक्ति बहुत सारी कठिनाइयों से, परेशानियों से, चुनौतियों से, मुश्किलों से गुजरता है और उनपे विजय प्राप्त करना सीख जाता है, और ऐसे व्यक्ति के लिए बड़ी से बड़ी कठिनाई भी छोटी होती है। मोदी जी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। इन्होंने इतनी तकलीफें, इतनी परेशानियां झेली अपने जीवन में, अपने लाइफ में, कि इनके लिए हर चीज, हर मुश्किल बहुत छोटी हो गई है। इसीलिए ये हर मुश्किल पे विजय पाना इनके लिए आसान है, और नीच भंग राज्यों का फल भी यही होता है। तो आप इनके सामने कोई भी मुश्किल ले आइए, ये उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। और यही वजह निजभंग राज्यों को इतना अच्छा फल क्यों देता है बाकी राज्यों के मुकाबले। तो चंद इनको मानसिक रूप से बहुत शक्तिशाली, बहुत स्ट्रांग बना रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। मंगल को देखिए, मंगल भी इनके पहले स्थान में बैठा है, स्वराशि है। मंगल के भी सभी बल मैंने चेक कर लिए हैं, काफी शक्तिशाली मंगल है। स्वराशि है कि इंद्र बल है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो मंगल जब शक्तिशाली होकर पहले स्थान में बैठता है, पहला स्थान आप खुद होते हैं, व्यक्ति खुद होता है, सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है पहला स्थान। जब शक्तिशाली मंगल जैसा ग्रह पहले स्थान में बैठ जाता है, तो व्यक्ति की तर्क शक्ति बहुत बेमिसाल होती है, बहुत एक्सट्रीमली लॉजिकल होते हैं, कहीं की बात कहीं से लिंक कर लेंगे और उसमें लॉजिक निकाल लेंगे। और मंगल क्या देता है? मंगल जो है फियरलेस बनाता है, करेजियस बनाता है, हिम्मत और हौसले की मिसाल देता है। तो मोदी जी हिम्मत और हौसले की मिसाल है, इनका मुकाबला नहीं किया जा सकता अगर हिम्मत की बात की जाए, हौसले की बात की जाए। तो तर्क शक्ति बहुत बलवान कर देता है और हिम्मत और हौसला बहुत दे देता है मंगल। और सबसे बड़ी बात, जब जब मंगल लगन में आ जाता है, पहले स्थान में शक्तिशाली होके आता है, ये महापुरुष योग में से एक राजयोग है, दुचे का नाम का महापुरुष योग बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति की अति ऊर्जावान होता है व्यक्ति, कभी इनकी एनर्जी खत्म ही नहीं होती, एक्सट्रीमली डायनेमिक पीपल होते हैं ये लोग। एंड थकान नाम का शब्द इनके शब्दकोश में होता ही नहीं है, हमेशा रुकना नहीं, हमेशा चलते रहना, थकान का नामो निशान नहीं, इस तरह के व्यक्ति होते हैं। इन सब कभी भी काम करा लीजिए, रात में दिन में ही हमेशा रेडी रहेंगे। तो ये मंगल का बेसिकली फल है। आगे चलते हैं। आप देख, अभी मैंने आपको दिखाया था
कि 11वें स्थान में इनके 5 ग्रह बैठे हैं। अब इसका क्या फल है? देखिए, मैं अपने कई वीडियोस में बता चुका हूँ, इसमें भी दोबारा से बताता हूँ, कुंडली का 11वां स्थान लाभ का स्थान होता है और कुंडली का ये सबसे शक्तिशाली स्थान होता है। बहुत सारे ज्योतिषी भी जो ये वीडियो देख रहे होंगे वो उनको शायद नहीं पता हो, उनको लगता होगा केंद्र और त्रिकोण बहुत शुभ ग्रह शुभ स्थान होते हैं। माना वो केंद्र और त्रिकोण स्थान शुभ होते हैं, लेकिन लाभ स्थान से ज्यादा कोई शुभ स्थान नहीं होता। ये बहुत ही गूढ़ रहस्य की बात है। सबसे शक्तिशाली स्थान सांसारिक दृष्टिकोण से लाभ स्थान होता है। ठीक है, इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। रावण के बारे में आपने सुना होगा, रावण एक बहुत बड़े ज्योतिषी भी थे। जब उनके पुत्र का मेघनाथ का जन्म होने वाला था तो उन्होंने सभी ग्रहों को बंदी बना के उनको ये आदेश दिया था कि आप जो है 11वें स्थान में स्थित रहेंगे। शनिदेव ने उनकी बात नहीं मानी, शनिदेव ने अपना फल थोड़ा 12वें स्थान में भी दे दिया। यही वजह है कि मेघनाथ की जल्दी मृत्यु हो गई, लेकिन फिर भी क्योंकि बाकी ग्रह सब 11th हाउस में थे, 11वें स्थान में थे, तो मेघनाथ से शक्तिशाली व्यक्ति आज तक पैदा नहीं हुआ। वो अजय था, हर तरह के अस्त्र शस्त्र उसके पास थे। वो तो अधर्म के रास्ते पे था इसलिए उसकी डिफीट हो गई, लेकिन अदरवाइज उसको डिफीट करने का, उसको हराने का कोई माध्यम नहीं था। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको 11वें स्थान की महत्ता समझ में आए। वापस आते हैं मोदी जी के चार्ट पे। देखिए, यहाँ पे केतु के साथ 4 ग्रह बैठे हैं। केतु का जैसे ही 4 ग्रहों से योग हुआ है लाभ स्थान में, केतु का किसी भी ग्रह के साथ योग होता है तो उस ग्रह की शक्ति को बढ़ा देता है। केतु है सत्य का कारक, राहु होता है झूठ का कारक। ठीक है, केतु जिस भी ग्रह के साथ आता है उस ग्रह की शक्ति उसके क्वालिटीज के अनुसार बढ़ा देता है। फॉर एग्जाम्पल, मरकरी के साथ केतु बैठा है इनका। मरकरी है बुद्धि का कारक, तो बुद्धि बेमिसाल होगी, तीक्ष्ण बुद्धि होगी, और ना सिर्फ तीक्ष्ण बुद्धि होगी, सद्बुद्धि होगी, यानी लोगों की भलाई के बारे में इनकी बुद्धि चलेगी मोदी जी की। आगे चलिए, केतु का शनि से योग भी है इनके 11वें स्थान में। उसका क्या मतलब है? शनि है कर्म का कारक, न्याय का कारक, तो व्यक्ति न्याय संगत होता है और कर्मठ होता है, कर्म करने से कभी नहीं घबराएगा और सही राह पे चलेगा, न्याय संगत काम करेगा। आगे चलिए, केतु जो है सूर्य के साथ भी बैठा है इनके, मैंने आपको अभी दिखाया। सूर्य है आत्मा का कारक, केतु है सत्य का कारक, तो जब आत्मा के साथ सत्य मिलता है तो पुण्य आत्मा बन जाता है, वो व्यक्ति पुण्य आत्मा है। छल कपट नाम की कोई चीज नहीं है इनके अंदर, मोदी जी के अंदर। आगे चलिए, केतु वीनस के साथ भी योग कर रहा है, शुक्र ग्रह के साथ भी योग कर रहा है इनके चार्ट में। उसका क्या मतलब है? वीनस है प्रेम का कारक, करुणा का कारक, दया का कारक, तो व्यक्ति के लिए के दिल में हृदय में सभी के लिए असीम प्रेम भाव है, दया भाव है, ये सबका भलाई सोचेंगे। ठीक है, अब कोई मुझसे पूछेगा कि निखिल जी इतने सारे ग्रह इनके लाभ स्थान में बैठे हैं तो इनकी संपत्ति क्यों नहीं है, वेल्थ का इन्होंने क्यों नहीं संग्रह किया? उसका मेन रीजन ये है कि देखिए, अगर इस 4 ग्रहों के साथ राहु होता तो बहुत बड़े बिलियनर होते, ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा दौलत होती इनके पास। लेकिन क्योंकि यहाँ पर केतु आ गया है तो केतु व्यक्ति को स्वयं का लाभ नहीं देता, वो दूसरों का लाभ देगा, यानी परोपकार के मार्ग पे चलेंगे। ये दूसरों को लाभ देने में इनको खुशी मिलेगी, देश को लाभ देने में खुशी मिलेगी, विश्व को लाभ देने में खुशी मिलेगी, तभी इनके तमाम जो योजनाएं हैं वो सभी के भले के लिए हैं। तो व्यक्ति खुद को खुद के बारे में बाद में सोचता है, पहले दूसरों के बारे में सोचता है, परोपकारी व्यक्ति होता है। इसलिए लाभ स्थान में केतु के आ जाने से, योग कर देने से, इन्होंने खुद संपत्ति घटा नहीं की बल्कि दूसरों की मदद की है, देशवासियों की मदद की है। अब ये तो हो गई देखिए सारी अच्छी अच्छी बातें, अब कुछ नेगेटिव बातें। हमेशा इनके ऊपर झूठे आरोप लगे हैं, ये सभी ने देखे हैं, बहुत झूठे आरोप लगे हैं, जिंदगी भर इन्होंने झेले हैं वो। अब आप देखिए, राहु इनके पंचम स्थान में बैठा है और चंद्र और मंगल को देख रहा है। राहु जब भी पंचम स्थान में बैठा होता है और फर्स्ट हाउस को, लगन को देखता है, तो व्यक्ति पे झूठे आरोप लगते ही हैं। लेकिन अभी देखने वाली बात यह है कि किस तरह के झूठे आरोप लगेंगे इनके ऊपर, वो भी बताया जा सकता है कुंडली को देख के। आप देखिए, लगन में राहु चंद्र और मंगल को देख रहा है। मंगल किसका कारक है? दंगों का कारक है, वॉयलेंस का कारक है, तो इन पर दंगों के झूठे आरोप लगे। ठीक है, चंद्र को देख रहा है, चंद्र जो है यात्राओं का कारक है, ट्रैवलिंग का कारक है, तो विश्व में सब जगह घूमते हैं ये, उसको लेके इनको जो है इन पे आरोप लगे। अब आप देखिए, मंगल वाहनों का कारक है और चंद्र यात्राओं का कारक है, दोनों के योग को जब राहु देख रहा है तो तभी इनको राफेल को लेके झूठे आरोप को झेलना पड़ा। तो झूठे आरोप किस किस तरह के लगेंगे ये भी हम कुंडली में देख सकते हैं। ठीक है, अब आप दूसरी चीज देखिए, राहु पंचम स्थान में बैठा है,
पंचम स्थान भी देखो, पंचम स्थान में जब राहु बैठता है तो पंचम स्थान होता है विद्या का स्थान, एजुकेशन का स्थान। तो डिग्री को लेके इनके आरोप लगे, लोगों ने इनकी डिग्री को लेके आरोप लगाए इनके ऊपर, झूठे आरोप। राहु पंचम स्थान में बैठ के भाग्य स्थान को भी देखेगा, धर्म स्थान कहते हैं उसको, तो लोग इन पे झूठे आरोप कैसे लगाएंगे कि ये धर्म की राजनीति करते हैं, वो भी झूठा आरोप है। तो देखा आपने कुंडली में जो कुछ लिखा होता है अच्छा या बुरा सब घटित होता है, बच नहीं सकता कोई उससे। ये तो हो गई सारी इनके व्यक्ति विशेष की बातें, किस तरह के व्यक्ति हैं। अब मैं आता हूं जिस चीज के लिए आप सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, यानी 2019 में क्या होगा। देखिए 2019 में, अभी इनका 2013 में चंद्र की महादशा चल रही है, स्टार्ट हुई थी, जो 2023 तक चलेगी। चंद्र कितना शक्तिशाली है, निज भवन राजयोग दे रहा है, मैं आपको भी बता चुका हूं। चंद्र की ही महादशा चल रही है, जैसी वो चंद्र की महादशा इनकी स्टार्ट हुई, ये पीएम पद के उम्मीदवार घोषित कर दिए गए। और चंद्र की महादशा में पीएम, मैंने अभी भी पीएम ही है, अभी भी चंद्र की दशा चल रही है, तो महादशा तो बहुत बढ़िया है इनकी, जो फेवरेबल है पूरी। अब आता है क्वेश्चन कि अंतर्दशा कैसी है। अंतर्दशा में आप देखिए इनका दशा, मून की महादशा और बुध की अंतर्दशा 4 मार्च से स्टार्ट है। अब आप देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक बता दूं, महादशा का लेवल सबसे सुप्रीम होता है, सबसे शक्तिशाली कौन सी होती है, महादशा होती है। पीएम पद पीएम के लेवल की मान लीजिए उसको आप, अंतर्दशा एमपी लेवल की मान लीजिए, और परेंद्र दशा एमएलए लेवल की मान लीजिए। तो दशाओं का बेसिकली मैं आपको स्ट्रेंथ का एंगल से बता रहा हूँ ये चीज। तो इनकी महादशा तो मून की चल रही है, वो फेवरेबल है। अंतर्दशा में मरकरी आ गए, अब मरकरी भी लाभ में बैठे हैं, और मरकरी अकेले लाभ में नहीं बैठे, उचके हैं, मित्र ग्रहों के साथ बैठे हैं, अफ्लिक्शन नहीं है उनके ऊपर, तो ये मरकरी भी बहुत शुभ हो गए इनके लिए, शुभ ही नहीं बहुत शुभ हो गए। और एक और चीज नोट करिए, जब रिजल्ट आने वाले हैं, आएंगे 2019 में, तो मई के मिड में करीब आएंगे, मिड मई के आसपास। अब आप देखिए उस समय क्या स्टार्ट होने वाला है, मरकरी की अंतर्दशा के अंदर देखिए केतु की परेंद्र दशा स्टार्ट हो रही है 17 मई से। अब मैंने आपको अभी बताया कि केतु कितना शक्तिशाली और स्ट्रांग है, शुभ है इनके चार्ट में। केतु और राहु की कुछ खास बातें होती हैं, ये जिस ग्रहों के साथ बैठेंगे उनका फल देते हैं, जिस राशि में बैठेंगे उसके स्वामी का फल देते हैं, ठीक है, और अपना तो स्वयं फल देते ही हैं, लेकिन इनके फल में खास बात ये होती है कि अचानक फल आता है, सडन फल आता है, और वो फल आता है जो किसी ने सोचा भी नहीं होता, जो एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता, अनएक्सपेक्टेड फल आता है। तो यहाँ पे केतु अपना तो फल देंगे देंगे शुभ, बल्कि चार ग्रहों का और देंगे जिसके साथ वो कंजंक्शन में बैठे हैं, चार ग्रहों के साथ, और वो चारों ग्रह भी इत्तेफाक से लाभ में ही हैं, तो ये तो शुभ ही नहीं है, तो अतिशुभ हो गया। अब मैं आता हूँ फाइनल प्रेडिक्शन में, आप भाप ही गए होंगे मैं क्या बोलने वाला हूँ। 2019 में मोदी जी प्रधानमंत्री दोबारा से बनेंगे, और ना से बनेंगे बल्कि पूरी मेजॉरिटी के साथ बनेंगे। 272 सीट्स तो इनकी चाहिए चाहिए, वो तो आएंगी आएंगी, पिछली बार 282 आई थी, वो आंकड़ा भी क्रॉस हो जाएगा, और ये भी हो सकता है कि 300 और 300 के पार भी हो जाए। देखिए एग्जैक्ट नंबर ऑफ सीट्स तो नहीं कहा जा सकता कितनी आएंगी, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस दशा के अंदर इनकी विजयश्री निश्चित है, और बहुत ही मैसिव विन होगी, थंपिंग मेजॉरिटी से आएंगे ये बहुत अच्छा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सीट्स इतनी सारी आएंगी कहाँ से, तो उसके लिए मैंने विपक्षी दल के नेताओं का भी चार्ट देखा, जैसे ममता बनर्जी का चार्ट देखा, मैंने मोदी जी के साथ मिला के देखा, तो ये पता लगा कि इनकी बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ विक्ट्री होने वाली है, रिकॉर्ड नंबर ऑफ सीट्स आएंगी इनकी बंगाल में। ओडिशा में मैंने नवीन पटनायक के साथ इनका चार्ट मिला के देखा, तो ये पाया कि ओडिशा में भी रिकॉर्ड नंबर ऑफ सीट्स आने वाली है इनकी। कर्नाटका में भी इनकी बहुत अच्छी नंबर ऑफ सीट्स आएंगी। ये सब कुछ मैं ज्योतिष के हिसाब से बोल रहा हूँ, कुछ भी अपना नहीं है इसमें, ठीक है। अब आ जाइए यूपी पे, जहाँ महागठबंधन की बात हो रही है। देखिए कोई भी बन जाए, कांग्रेस के साथ SP BSP का बन जाए, SP BSP का अलग से बन जाए, कांग्रेस के बगैर बन जाए, कुछ भी बन जाए, मोदी जी का यूपी में बीजेपी का दबदबा कायम रहेगा ज्योतिष के अनुसार। ऐसा नहीं होने वाला कि पिछली बार 70 सीट्स आई थी, 70 से ऊपर सीट्स आई थी, तो इस बार महागठबंधन की वजह से 30-40 कम हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आप देख लीजिएगा इनका दबदबा बना रहेगा। एग्जैक्टली नंबर ऑफ कितनी सीट्स आएंगी ये आपको नहीं, ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि यूपी में कोई मेजर नुकसान होता दिखाई नहीं दे रहा बीजेपी को। अब आइए कि इन तीन राज्यों में जहां पे अभी चुनाव हुए हैं, बीजेपी ने हारी है, बीजेपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, आप देखेंगे कि इन राज्यों में भी, दो इनकी अभी हार हुई है, इन राज्यों में भी
बीजेपी की अच्छी खासी मेजोरिटी आएगी, अच्छी खासी नंबर ऑफ सीट्स आएंगी। 2-3 सीट का लॉस हो गया तो हो गया, वरना अच्छी खासी नंबर ऑफ सीट्स आएंगी। ऐसा लगेगा ही नहीं कि अभी हार के चुके हैं उस चुनावों में। आखिरी बात यह है कि अभी आपने मुझसे सुना कि लाभ स्थान के ग्रह इतना चफल देते हैं, तो आप लोगों के मन में बहुत से क्वेश्चन आ रहे होंगे कि निखिल जी अगर लाभ स्थान में इतने सारे ग्रह हैं और तो ये हारे क्यों, 3 चुनाव क्यों हारे और बिहार का और दिल्ली का भी हारे थे। देखिए, दशा, अंतरदशा, परिंत दशा, सूक्ष्म दशा, इनके लॉर्ड्स भले ही कितने भी ताकतवर हो, लेकिन जब एक सीक्वेंस चलता दशा का, तो अगर उन दशा लॉर्ड्स के बीच में तालमेल नहीं होता तो हार भी हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, कोई भी कंप्लीटली अजय नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्ति जिसके लाभ स्थान में इतने ग्रह बैठे हैं और जिसके नीच भंग राज्य का फल आ रहा है, जिसका मंगल इतना शक्तिशाली है लगन में, ऐसे व्यक्ति की बड़ी हार होना असंभव है, ऐसे व्यक्ति को रोक पाना असंभव है। आप लोगों ने इस यहाँ तक मेरा वीडियो देखा, थैंक यू, धन्यवाद। और एक बार फिर से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, आप सभी के जीवन में खुशियां स्थापित हो नए साल में।